गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि यूपीपीएससी आयोग ने अपना ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है और उसने अपने चार क्वेश्चन को डिलीट किए हैं और दो क्वेश्चन के दो दो आंसर आयोग मान कर चल रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जो चार क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उससे कट ऑफ कैसे कम जाएगा और कैसे आपको उससे लाभ होगा। दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, जो चार क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और आपको आपने उसका अटेम्प्ट नहीं किया है, तो अगर मार्क्स ऐड आयोग मार्क्स ऐड करता है तो सबको बराबर मार्क्स मिलेंगे, आपको भी मिलेगा। आपने अटेम्प्ट नहीं किया था फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। और अगर मार्क्स अगर आयोग नेगेटिव करता है, सबके मार्क्स को ऐड नहीं करता है, नेगेटिव करता है, तो सबको बराबर मार्क्स नेगेटिव होंगे, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा तो डिलेट होने से कम आप उसका नेगेटिव को ऐड नहीं करेंगे, जो कि 130 थी। मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और आपके 95 सही बन रहे थे और 35 गलत हो रहे थे, तो चार क्वेश्चन जो डिलेट हो रहे हैं तो इसका तो नेगेटिव मार्क आप ऐड नहीं कीजिएगा, तो आपका 95 सही होंगे और 31 ही गलत होंगे। तो इसका आपको बेनिफिट यहाँ हो रहा है, चार क्वेश्चन का बेनिफिट हो रहा है, उसका नेगेटिव आप ऐड नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको लॉसेस सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, वो ये है कि जो आयोग ने चार क्वेश्चन डिलीट किए हैं उसके आपके आंसर सही थे मार्केट के आंसर से और आयोग ने उसे डिलीट कर दिया, तब आपको नुकसान हो रहा होगा या हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि जब ऑप्शन ही सही नहीं है तो आंसर तो सही हो ही नहीं सकता मार्केट के आंसर से भी। बस एक क्वेश्चन था, जो आपदा वाला था, जिसका ट्रांसलेशन में गलती था, जो कि इंग्लिश ट्रांसलेशन में डिजास्टर फ्री था और हिंदी ट्रांसलेशन में आपदा युक्त था। तो बहुत से बच्चे जो इंग्लिश पढ़ के उसका आपदा डिजास्टर फ्री मान के चल रहे थे और उसका आंसर लगाया था और मार्केट के आंसर से भी उसके उनके सही हो रहे थे, तो उनको एक नुकसान हो सकता है मे भी। लेकिन और जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, जैसे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय का, इसके बाद तिरुपति मंदिर कहाँ स्थित है वो, और टाइगर टाइगर वाला, तो दोस्तों इस तरह से जो तीन क्वेश्चन डिलीट हुए इसके मैक्सिमम लोग गलत ही हो रहे थे, क्योंकि वो ऑप्शन उसमें था ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से चार क्वेश्चन डिलीट होने से या तो कट ऑफ कम जाएगा या सबको लाभ होगा। फिर चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अपने कट ऑफ पे। अब कट ऑफ क्या जाने की संभावना है ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आयोग अपना आंसर को ऐड नहीं कर रहा है, जो डिलीट कर रहा है जो क्वेश्चन को, उसके मार्क्स को ऐड नहीं कर रहा। उसके बाद जो कट ऑफ जाने की संभावना है वो जनरल और ओबीसी की 79-81 लगभग बराबर जाती है, पिछले बार भी बराबर गई थी। हो सकता है इस बार ओबीसी का कट ऑफ एक दो नंबर कम जा सकता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है। फिर भी हम बराबर ही मान चलते हैं, 79-81 क्वेश्चंस। फीमेल के 74-76 क्वेश्चंस, एससी के 71-73 क्वेश्चंस और एसटी के 65-67 क्वेश्चन, जिनके भी इसके बीच में बन रहे हैं नेगेटिव कार्ड के, वुमेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।